चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भजन गाने वाले सुप्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय नरेन चंचल जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। और उन्होंने कई सुप्रसिद्ध माता के भजन गाए हैं जो कि हम बचपन में उन्हीं को सुनकर बड़े हुए हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि ये बात 1990 और 2000 के दशक की है, जब माता रानी के जगरातों में, नवरात्रों में अक्सर हम नरेन चंचल जी के भजन सुना करते थे। और जब 9 दिन के नवरात्रों झांकियाँ लगती थी तब आपको अक्सर नरेन चंचल जी की ऑडियो कैसेट का वो भजन अक्सर सुनने को मिलता होगा कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, वो जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा। वाकई में दोस्तों बहुत ही अद्भुत सिंगर थे और वाकई में दोस्तों उनकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि वो हमारे उस जमाने के सिंगर थे जिस जमाने में ऑडियो कैसेट और डेक प्लेयर चला करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा बाबू नैसराय और राजा बाबू म्यूजिक वर्ल्ड पर अक्सर आपको मैं ऑडियो कैसेट की पुरानी यादें ताज़ा करता रहता हूं। दोस्तों वाकई में मुझे सुनकर बहुत ही ठेस पहुंची है कि उस ज़माने के गायक अब नहीं रहे हैं। तो वाकई में माता रानी के वो भक्त थे और माता रानी ने उनको बुलावा भेजा और अपने चरणों में बुला लिया। तो राजा बाबू नैसराय और राजा बाबू म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब की फैमिली आदरणीय नरेन चंचल जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती है और ऐसी हम कामना करते हैं कि माता रानी उनके चरणों में जगह दे। तो चलिए हम आदरणीय नरेन चंचल जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं और हम कुछ देर के लिए उनकी यादें ताज़ा करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, वो जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आ जा, जैसे भजनों से लोगों के दिलों में राज करने वाले जाने माने भजन गायक नरेन चंचल जी का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज दिल्ली की अपोलो अस्पताल में चल रहा था और 22 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्होंने कई प्रसिद्ध भजनों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए थे। नरेन चंचल जी के निधन पर उनके फैन और उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी जी ने भी नरेन चंचल जी को श्रद्धांजलि दी है। नरेन चंचल जी के सबसे हिट भजन थे चलो बुलावा आया है, वो जंगल के राजा मेरी मैया को लेके, जैसे सुप्रसिद्ध भजन उनकी हिट लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई हिट फिल्मों में गाने गाए थे। हर जगराते में, पूजा पाठ कार्यक्रम में उनके भजन निश्चित ही गाए जाते थे या बजाए जाते थे। साथ ही कई शोज भी वो करते थे, वो जगरातों में जाकर भी गाते थे। दोस्तों आदरणीय नरेन चंचल जी का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर के नमकहांडी में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही धार्मिक वातावरण में बीता। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें बॉलीवुड में काम मिला। उन्होंने बॉबी बेनाम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्मों में गाने गाए थे। नरेन चंचल जी ने बचपन से ही अपनी माँ कैलाशवती को माता रानी के भजन गाते हुए सुना। माँ के भजनों को सुन सुनकर उन्हें भी संगीत में रुचि होने लगी। नरेन चंचल जी की पहली गुरु उनकी माँ ही थी। उसके बाद चंचल जी ने प्रेम खित्रा से संगीत सीखा, फिर वह भजन गाने लगे। वैष्णो देवी के बहुत ही अनन्य भक्त थे नरेन चंचल जी। बॉलीवुड में उनका सफ़र राज कपूर के साथ शुरू हुआ और फिल्म बॉबी में उन्होंने बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो गाया था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म आशा में गाए माता के भजन चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, जिससे उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। वो हर साल 29 दिसंबर को माता वैष्णो देवी जरूर जाया करते थे, वहाँ जाकर वो कार्यक्रम भी करते थे, लेकिन इस साल वो नहीं जा सके। दोस्तों यदि आपने भी 90 और 2000 का दशक देखा है और आपने ऑडियो कैसेट से आदरणीय नरेन चंचल जी के भजन सुने हैं तो आपको ये खबर सुनकर बहुत ही दुख हुआ होगा कि हमारा सुप्रसिद्ध भजन गायक आदरणीय नरेन चंचल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। माता रानी उनको अपने चरणों में जगह दें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।